निवाड़ी के सेतपुरा में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम को बचाने के लिए लखनऊ, झांसी और बीना से टीम बुलाई गई। इस दौरान सभी ने बच्चे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। बोरवेल में गिरे बच्चे प्रहलाद को बचाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। उधर ग्रामीणों ने भी बच्चे को बचाने के लिए पूजा पाठ और हवन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बच्चे की सलामती के लिए दुआ की है। गौरतलब है कि बच्चे को बचाने के लिए लखनऊ से NDRF, बीना और झांसी की टीमें लगी हुई हैं। इन टीमों ने बोर के समानांतर 55 फीट से अधिक खुदाई की है। पानी और सख्त चट्टान के आ जाने पर मशीनों से काम रोक दिया गया है और यह सारी टीमें मिलकर हाथ से ही खुदाई कर रही हैं ताकि बोर धस ना जाए। बोर के आसपास प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। निवाड़ी विधायक और पृथ्वीपुर विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।